अस्सलाम वालेकुम। देख सकते हैं कि ये मशीन सरिया नीचे किस तरह पहुँचा रही है और इसकी हाइट और बहुत ज़्यादा नीवी जगह है। देख हैं इसकी गहराई तकरीबन 200 फुट। आदमी देखे मच्छर की तरह नज़र आ रहे हैं और ये थल्ले कम हो रहे हैं, ज़्यादा थल्ले देखने वाले भी डर लग रहे हैं। देखो कम पै गया थल्ले, मिस्त्री लगे खड़े ने तो फर्क नहीं कुछ होगी ना। एक आदमी ने रेड़ी थल्ले डोलती है क्योंकि थल्ले गर्मी बहुत है, जूम करके दिखाएंगे। और उधर देखो सरिया थल्ले आ चुका है। ओ है पूरा पिलर ही लाता है वो भाई। लेवल करने वाला सानू देख रहा है कि मैं लेवल सही कर रहे हैं। मजदूर टोपियां लगा के काम कर रहे हैं जो बारिश में वो टोपियां ले को ये इन्हें दे सुपरवाइजर ने ठीक है टोपियां। हाँ जी सलामकुम। ये बिल्डिंग तकरीबन पिछले 5 साल से इसके काम जारी है जी। और बीच में खुदाई के वक्त इनका काम बंद हो गया था पैसों की वजह से। सही। अभी तकरीबन 1 साल से काम फिर शुरू किया इन्होंने। सही। इसका बजट जो इस काम का बजट था वो तकरीबन $35 मिलियन था। तो इनके मालकान से मैंने बात की है, वो कह रहे हैं कि इसका जो बजट था $35 मिलियन उसको थोड़ा सा कम किया जाए ताकि गरीब आम के लिए जगह सस्ती हो। और ये जो 7 गुलबर्ग डायमंड मार्केट है इस पर एक दुकान आपको 4 करोड़ रुपए की मिलेगी। एक दुकान 4 करोड़ रुपए की, फिर से सुन लें, एक दुकान खाली दुकान है, ना पंखा है ना उसमें लाइट है, वो सब कुछ आप खुद करवाएंगे। और एक बिल्डिंग जिसमें हम काम कर रहे हैं, एक मकान, एक कमरा, एक दुकान, वो आपको 4 करोड़ रुपए की दी जाएगी। उसमें आपको मुकम्मल तफसीलात और हर किस्म की एरादयात जिसमें पानी, बिजली, सप्लाई, गैस, वाटर सब कुछ मैसर होगा। सिर्फ आप लोगों ने 4 करोड़ की दुकान लेनी है। उसके बाद आप लोग खुद ही अपने अंदर डेकोरेशन करेंगे, अंदर पैनल लगाएंगे, अंदर पंखा लगाने की जरूरत हो तो लगा लें, एसी भी लगवाना चाहें तो आप लगा सकते हैं क्योंकि लाइन एसी की भी ऊपर जा रही है और पानी की भी जा रही है, गैस की भी जा रही है। और इधर इस बिल्डिंग का नाम हाईजैक गुलबर्ग नंबर 3 के फेस पे रखा गया है। वो मशीन जो कि सरिया चूकने वाली जा रही है उसको दिखाएं, सरिया चूक के दोबारा थल्ले लाएंगे, थल्ले लाने का तरीका देखें। मैं बना